मैं आपको आप सबको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ. अभी दो तीन दिन पहले धर्म पाजी ने ही सोशल मीडिया पे शेयर की थी. मैं पहले तो दिखाता हूँ, प्लीज दिखाई जरा सनी पाजी की फोटो. तो ये है आप सबके चहेते सनी देओल टावल में. पाजी अच्छा, मैंने ट्विटर पे देखा था, मैंने देखा कि शायद सनी पाजी ये फोटो खिंचवाने को राजी नहीं थे. आप साफ देख सकते हैं मासूम बच्चे के ऊपर, चेहरे के ऊपर कितना प्रेशर है. पाजी मैंने सुना आप ये फोटो तौलिए के बिना लेना चाहते थे. विदाउट टॉवल ही सेड नो. बड़ी क्यूट फोटो है पाजी, थैंक्स फॉर शेयरिंग. पाजी हमारे पास कुछ और बड़ी पुरानी पिक्चर्स हैं आपकी अच्छी. हम चाहते हैं कि आप वो फोटोग्राफ्स कहाँ की हैं, वो किससे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज. ये फोटो पाजी देखिए, पाजी क्या क्या लग रहे हैं आप. सो हैंडसम धर्म जी. थैंक यू. ये सत्यकाम के सेट पर ऋषिदा और डेविड साहब हैं, तो अच्छा कुछ सीन चल रहा था. What a film and what a performance. Fine director. My God. But what a performance and what a film. नेक्स्ट एक और एक इंदिरा गांधी जी और धर्म पाजी. पाजी ये कब की पिक्चर है. ये भी एक दफा हम लोग फंक्शन हुआ था दिल्ली में. अच्छा जी. तब मिले थे इनसे, मिला था मैं. वाओ. और भी है हमारे पास कुछ पिक्चर्स. राजेश खन्ना साहब को प्यार. पाजी ये कब की फोटो है. हर बार डाले हुए राजेश खन्ना साहब ने. आई जस्ट लव एवरीबॉडी यार. Whether I get or not, मैं मोहब्बत करने के लिए पैदा हुआ. क्या बात है भाई. और भी है हमारे पास. पाजी ये सनी पाजी और बॉबी पाजी है. ये मेरी छोटी बेटी है. अच्छा. मुझे तो पीछे सनी खड़ा है. ये दैट्स मी. ये दार्जिलिंग में शूटिंग कर रहे थे हम. अच्छा जी. आयदन बाहर. आयदन बाहर. ओके. तो ये मुझे कहते थे ओम प्रकाश जी. हाँ. ये मैं शॉट अच्छा दे गया था. और छा गए पापे. तो भाई बेटी भी मैंने कहने लगी और छा गए पापे. लाली मेरी बेटी. नेक्स्ट. ओहो. दिलीप साहब और धर्मपा जी. आई लव हिम ऑलवेज. ही इज माय डार्लिंग. ग्रेट ह्यूमन बीइंग. ग्रेट एक्टर. नो डाउट. वाओ. पाजी ये कब की फोटो है. आप विनोद खन्ना साहब. विनोद खन्ना तो हम लोग बर्निंग ट्रेन में करने वाले थे आइटम, तो हम लोग कपड़े कपड़े फेंक के भाग गए थे. हम दो तगड़े बंदे यार, इस तरह का डांस. अच्छा रिहर्सल वेसल करते. थोड़ा रिहर्सल वेसल की थी, फोटो वोटो लिए और हम चलते बने. लेकिन क्या कैरी ग्रांट, क्या रॉबर्ट रेडफर्ड, क्या हैरिसन फोर्ड सर, सारे हॉलीवुड के हीरोज फीके आपके आपके सामने. रियली इस तरह से मोहब्बत से कहने वाले भी कम हैं, जैसे अर्चना जी आप हैं. नहीं मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं द वे आप दिल से कैसे कह रही हैं. आई एम रियली मेरे यहाँ नहीं चढ़ता, मेरे दिल में बस जाते हैं. थैंक यू. मैं उतना ही हम्बल हो जाता हूँ. आप लोगों का प्यार ही है, तो इसी प्यार पाने के लिए एक्टर बनता है आदमी. बाकी ये पैसा वैसा और ये शोहरत तो नशा है. नशा चढ़ता तो उतर भी जाता है. अब पैसा पता नहीं कल है कि नहीं है. प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है. ओ यार मेरी दिखाई दे ना, मैं एक फोटो दिखानी चाहता सी. जी सर. और रखिए यार दिखाओ मैनू. आई वॉन्ट टू सी यार सच ए ब्यूटिफुल फोटोग्राफ. ओ कपिल look at oh ginni I'm back. ji paaji ginni khoobsurat lagte tu lag raha hai. tune aaj peela usko match karke piya hai na. aap sabse zyada khoobsurat lag rahe ho paaji is photo. nahi nahi mujhe chhodo, tum ginni ko kyon nahi yahan laate ho. tu aana chahiye. dekho ye ginni ko nahi lata. ye main dekha kuch log chalu hote hain ladki ghoomte rehte hain. yes aap sahi bol rahe ho. बीवी आ गई तो. हाँ जी हाँ. नहीं नहीं पर नहीं पाजी आती है गिनी कभी कभी शूट पे, पर अब वो कह रही है कि एक ही साथ आएंगे. हाँ वो यार नो कंग्रेचुलेशन. वेरी थैंक यू पाजी. थैंक यू पाजी. मैं गया था जादी. ये नाइस पर्सन, बहुत प्यारी बच्ची है. थैंक यू पाजी. जीते रहो. खुश. शुक्रिया पाजी. बहुत अच्छी फोटो. सनी पाजी
जो भी फिल्म स्टार्स होते हैं या पॉपुलर पर्सनालिटीज जो भी होती हैं पाजी, उनके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें चलती रहती मार्केट में, तो मैं कुछ एक हैं जो आपके बारे में भी हैं, तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। धर्म पाजी, ऐसा ये अफवाह है कि यमला पगला दीवाना 2 में आप सनी देओल वाला रोल करना चाहते थे, क्योंकि रोल से ज्यादा आपको उनकी हीरोइन ज्यादा पसंद थी। पाजी अफवाह है कि सच्चा है? यार सच समझ लो, अफवाह समझ, जो तुम्हें दिल को खुशी लगती है वो कर लो। ये आंसर सही है। एक अफवाह ये है सनी पाजी कि मेंबर पार्लियामेंट की कुर्सी के बाद अब आपकी नजर अर्चना जी की कुर्सी पे भी है। सनी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है ना सनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जिसके साथ मर्जी करते रहो, क्योंकि मेरे डॉलर भी कुछ कम नहीं है सनी। धर्मपाजी आपके लिए कि फिल्म चुपके चुपके में आपने जो प्रोफेसर का रोल किया वो इसलिए किया क्योंकि आपके पापा आपको रियल लाइफ में टीचर बनाना चाहते थे, ये बात सही पाजी? हाँ यार, मेरे बाबा जी स्कूल टीचर थे, वो कहते थे प्रोफेसर बनना है तुझे मालूम है ये कहाँ फिर रहा है, क्या घूम रहा है, फिल्में क्या होती है, वहाँ जाना नहीं। तो मैंने ऐसे बाबू जी से प्यार से कहा कि ये देखिए बाबू जी, मैं प्रोफेसर बना हूँ, उल्लू के पट्टे, ये प्रोफेसर नहीं मैं वो प्रोफेसर कह रहा, बाप तो बाप होता है। पाजी वो फिल्म जब चुपके चुपके में आपने एक ड्राइवर का रोल किया, तब ये बात सही है कि आपको स्टोरी नहीं पता थी, आप खाली डायरेक्टर के कहने पर आप चले गए? नहीं, स्टोरी थोड़ी रिशिदा क्या है, आउटलाइन सुना देते थे जी और हमें पता चल जाता है क्या होगा इसमें सर जी। लेकिन एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी आनंद। अच्छा जी। फ्लाइट में जाते बंगलौर से आते आते ये कर रहे हैं धर्म, ये करेंगे वो करेंगे, पता लगाओ शुरू हो गई। अच्छा जी। राजेश के साथ जी, तो मैं तो फिर थोड़ी टिकाता हूँ ना। तो सारी रात मैं ऋषिदा को सोने नहीं दिया। हाँ धर्म सो जा, धर्म सो जा, मैंने रोल ले रहा सी तुसी। ए कहानी मैंने सुनाई सी, ए किथे गया ऋषिदा? ओ फिर बंद करे फोन, आधे घंटे बाद ट्र, सो जा धर्म सो जा प्लीज, मैं नहीं, मेरा पिक्चर उन्होंने क्यों देती? रात का देर हो गया। शहर आपके बारे में ये अफवाह है, आप शिमला से हैं क्योंकि, हाँ तो अफवाह ये है कि जब शूटिंग हो जाती थी पैकअप के बाद आप पूरे क्रू को गाइड बन के शहर भी घुमाती थी। ये बात सही है? नहीं, क्योंकि हमने टाउन में शूट किया ही नहीं, हम पहाड़ कहीं बहुत ऊपर थे, पहाड़ों पे थे। अच्छा। तो टाउन में जाने का मौका ही नहीं मिला, तो नहीं। ये सारे हिमाचल वाले जो होते हैं इतने खूबसूरत क्यों होते हैं सर? क्या खाते हैं आप? हम सब कुछ खाते हैं, ताजे ताजे सेब उधर ही लगते हैं, उधर ही तोड़ के खा लिए हैं ना। ताजी हमारे पास आते हैं इंजेक्शन वाले, तभी हमारे पिंपल निकल आते हैं मुंह पे फिर। चलिए ओके, सारी अफवाहें क्लियर हैं मिलॉर्ड जी। आज मैं सच्ची दिल से बोलती हूँ, हमारे इधर पहली बार रियल हीरो, लेजेंडरी हीरो आए, जोरदार ताली हो जाए। धर्म जी जानते हैं आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। कैसे सर आप? आई एम फाइन। हेलो सर। अरे सर, स्कर्ट का प्रॉब्लम रहता है सर इसलिए बहुत। हेलो सर, सनी सर कैसे आप? हाय हाय, कैसे आप? ठीक। आप लोग का प्रोमो देखी सर, पल पल दिल के पास। मैं सच्ची बताऊं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं, करोड़ों रुपए आएंगे जबाने हम लोग की, देख लेना। सनी सर आपने तो कमाल ही कर दिया। हम सब लोगों ने बॉम्बे शहर देखा है ना, ये पहले आदमी है जिन्होंने हमको शहर बॉम्बा दिखाई ले। सच्ची में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आज मेरे को पता चला कि गांव से लोग भाग भाग के शहर में क्यों आते हैं, क्योंकि शहर खूबसूरत ही इतनी है। हाय कप्पू। हाय कप्पू, मेरे को तेरे को एक बात बोलने का था। क्या? धर्म जी को हम लोग बहुत प्यार करते हैं। हाँ। अगर धर्म जी कोई भी काम के लिए बोले ना, उनको कभी भी ना मत बोलना। क्यों? मैं कभी नहीं करता, पर क्यों? क्योंकि धर्म का काम करने से पुण्य मिलता है। धर्म जी उधर वो जगह जानते हैं? आप तो जू पे रहते ना, नाला सोपारा। नाला सोपारा में बहुत फैन है आपके। आप लोग को तो हम लोग इतना प्यार करते हैं कि खाने में हम गरम मसाला नहीं धर्म मसाला डालते। सच्ची बोलती
मैं तो बोलती एक टाइम के लिए पूरी के साथ छोले नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन अगर बॉलीवुड में शोले नहीं होती तो बॉलीवुड इनकम्प्लीट रहता, जो दर्शन हो जाए। मैं शोले देखी, आई जस्ट वांट टू आस्क क्वेश्चन सर, सो क्यूट, पर इंग्लिश ट्राई मारती मैं। कोई बात सर, शोले में आप और अमित जी ऐसा पूरी पिक्चर में ऐसा टॉस किए, इतना टॉस किए, मैच तो एक भी नहीं खेला आप लोगों ने। मैच मैं खेलता रहा ना, वो टॉस करता रहा। क्या बात है सर। अच्छा सनी सर से मेरे को काम था। सर सर मेरे को ना आपके हाथ जो है ना वो दो दिन के लिए नाराज हो पारा में लगेंगे। क्योंकि उधर ना ब्रिज का काम चल रहा है तो लोहे को पिघला कर उसका आकार बदलना था। सर आप बहुत मस्त काम है, वो पिक्चर देखिए आपकी गदर पिक्चर, उसमें बहुत मस्त काम किया आप। मेरे को अर्चना जी का भी काम बहुत अच्छा लगा उस पिक्चर में। ये कहाँ थी फिल्म में? तो अशरफ अली का रोल इन्होंने नहीं किया था क्या? नहीं, अरे तो ये आप ये घायल में थी क्या? घायल में भी नहीं थी ये। तो ये घातक में थी? अरे नहीं घातक में भी नहीं। यमला पगला दीवाना में थी? ये नहीं थी। तो फिर ये कहाँ थी यार? तू बोलता ये बॉलीवुड में है, कहाँ थी? मैं इधर रोज आती है, नाचती है, परफॉर्म करती है। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन अर्चना जी, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मेरे को खुद पता नहीं यार। ये सपना सोनी टीवी पे कॉमेडी सर्कस आता तो हमारी जज यही तो थी। जज थी? हाँ। इन्होंने ना कभी किसी को अंदर करवाया ना बाहर करवाया, काहे की जज थी। हाँ इन्होंने एक काम किया है, इन्होंने एक आदमी गायब किया इधर से, जादू करनी है। मैं बता रही है सनी सर, आप तो अभी पॉलिटिक्स में भी आ गए ना सर। एक हमारा बंदा है जो पॉलिटिक्स में चला गया है। एक्चुअली पॉलिटिक्स में नहीं चला गया, पॉलिटिक्स इधर हुआ है उस वजह से चला गया है वो। तो आदमी को लेकर आओ ना सर। तुझे इनसे क्या प्रॉब्लम है सपना? क्या प्रॉब्लम है मेरे? तेरे को मालूम है जो बाहर स्पॉट दादा है ना, उनको गंदे गंदे इशारे कर रही थी। कौन से गंदे इशारे? ऐसे 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 करके चाय दो चाय दो, ऐसा करके बोल। सपना की बच्ची अभी भी बोल रही थी ना। शादी पे क्या बोले थे आपने? क्या? कि परमित जी को छोड़कर धर्म जी के साथ भाग जाऊंगी। पिछली बार जीतू जी आए थे तब भी ये बोला था, शक्ति कपूर आए थे तब भी ये बोला था। ऐसे बोलती रहती असलियत में। ये क्या भागेंगी, परमित इनसे भागता है, मैं बताती हूँ। करण वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। मैं प्रोमो देखी, बहुत मस्त लग रही है। मैं आपको थोड़े टिप्स देना चाहती है। अभी देखो पिक्चर आपका सुपर हिट होएगा, आप सुपरस्टार बनेंगे। आपको ना काम के लिए बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं। आपको कॉमेडी सीखना है, धर्म जी सिखा देंगे। ट्रेजिडी सीखना है, धर्म जी सिखा देंगे। डायलॉग डिलीवरी सीखना है, पापा सिखा देंगे। एक्शन सीखना है, पापा सिखा देंगे। डांस सीखना है, बॉबी चाचा, बॉबी चाचा, बॉबी चाचा। हाँ मैं आपको गोविंदा जी से मिलवा दूंगी। हमारा क्या है? हाँ जी सर। डांस जो है ना, गाने की तो परवाह नहीं, डांस हमें शेर लगता है। तो अगर शेर को हमने नहीं मारा तो शेर हमें मार लेगा, हम शेर को मार लेते। मैंने तेरे को बोला था ना सपना कि धर्मपा जी आएंगे सामने, कोई फालतू बात नहीं करनी। अच्छा सॉरी, अगर किसी बात का बुरा लगा रहेगा तो मैं आप पांचों को सॉरी बोलती है। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा। पांच कहाँ है, मतलब चार तो है। क्या बात करे, पांच हुए ना। कैसे? जैसे धर्म जी के बेटे सनी जी, सनी जी के बेटे करण जी, तो दो बेटे हुए। फिर करण के पापा सनी जी, सनी जी के पापा धर्म जी, दो पापा दो बेटे, प्लस वन हीरोइन, फाइव हुए कि नहीं? व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, हुए ना, हुए कि नहीं? अच्छा चल ठीक है, पांच लोग आए तो एक करोड़ रुपया दो ना सर मेरे को। मेरे को आए नहीं। चल मेहमानों से पैसे मांगते रहते, चल जा कला। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन आज तक एक करोड़ रुपया नहीं मिला मेरे को। निकाल के फेंक दूंगी मैं ये वर्दी। और पहन लूंगी बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। माय फुट।
अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखा अपनी मर्दानगी, दिखा इस चड्डा पे वर्दी का रोप, इन्हीं के हाथों को लग सकते तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत रहे कि नहीं। सपना तू भूल गई, तू लड़की है। सर कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? सर ऐसा हम लोग कॉमेडी के साथ मेन्यू में बहुत चीजें इधर, तो अगर आपको कोई भी जरूरत है, आप डायरेक्टर बन गए, मैं आ सकती है। वैसे धर्म सर मेरा इधर पार्लर है, आई रन पार्लर, तो हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज है, तो आपके लिए सर गदर मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं सर, हम लोग पड़ोसी देश में जाते हैं, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते और तब तक मसाज करते जब तक वो बोल नहीं देता कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। फिर सर एक और मसाज है, यमला पगला दीवाना मसाज। इसमें क्या है? इसमें यमला पगला को तेल लगाता है, पगला यमला को तेल लगाता है। और दीवाना? दीवाना पैग लगाता है साइड में बैठ के, उसमें क्या है? इंजॉयमेंट भी कोई चीज रहता है। फिर सर अभी हम लोग का मेन मसाज है, अपने तो अपने होते हैं। अच्छा। इस मसाज में क्या है? इसमें क्या सर, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और उसको कुर्सी पे बिठा देते हैं। हाँ। फिर वहां से कपिल शर्मा आता है। अच्छा। उसको उठाता है, सिद्धू जी को बिठाता है, बोलता है अपने तो अपने ही होते हैं। ये मसाज नहीं थी सर, ये सूचना थी कि ये कुछ भी कर सकता है। खैर सर मैं कभी मसाज करवाना हूँ बताइएगा। ऑल द बेस्ट। वो बलवंत राय के कुत्ते की मसाज करनी है मेरे को। नाला जाना नाला से पारा जाना है तेरे को। चलेंगे क्या सर? अब नाला से पारा। सर लव यू सर, बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए देओल फैमिली के लिए। धर्म भाजी आप हमारे शो पे, हमें बहुत बार सौभाग्य मिला है आपसे मुलाकात करने का, बातें करने का, सनी पाजी भी आए, लेकिन एक साथ आज पहली बार ऐसा हुआ है कि करण भी हैं, आप भी हैं, सनी पाजी भी हैं, और हमारे कलाकारों ने कुछ आपके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट तैयार किया है जो हम सामने बैठ के देखते हैं। पाजी आइए। क्या बात है, जीते रहो यार, बहुत अच्छा। क्या बात है, खूब जमा दिया। ओए क्या बात है पुत्र, स्टैमिना स्टैमिना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम कलाकारों के लिए जिन्होंने इतना खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू किक, थैंक यू भारती, चंदन थैंक यू सो मच, सुमोना थैंक यू, सुरलीन। अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। ओ वाह क्या तस्वीर है। धर्म बाजी ये एपिसोड आपने फिर से एक बार अमर बना दिया। थैंक यू बाजी, लव यू बाजी, लव यू बाजी, लव यू ऑलवेज ग्रेट। ऐसे लगता है फैमिली में आ गया यार। बिल्कुल बाजी, बिल्कुल भाई, फैमिली यार। थैंक यू बाजी, थैंक यू, थैंक यू सनी बाजी। आशा हूं इतना यार। सहर एंड करण ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।